जी बिल्कुल, एक सबसे बड़ी जो चीज़ जो देखना चाहते हैं सारे कि मुल्तान अपना पहला मैच खेलने जा रही है आउटसाइड से बाहर जी, तो ये जो एक चैलेंज नज़र आ रहा है कि उनकी बॉलिंग थोड़ा सा वहाँ पे दो तीन बॉलर्स अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, डेविड विली, मोहम्मद अली एंड उसामा, बट द अदर टू कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कंडीशंस हैं डिफरेंट हैं, यहाँ पे तगड़ी बॉलिंगें भी जो है वो चैलेंज हो रही हैं, जैसे हमने देखा प्रीवियस मैच में भी कि बिल्कुल एक ऐसा मैच जो एक साइड पे था अचानक जो है वो बिल्कुल बिल्कुल इधर से उधर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, डिफरेंट कंडीशंस हैं, यहाँ के बॉलिंग आके कैसी करेंगे, और लाहौर के पास ये एक चांस है, मौका है कि वो इस एक जो फैक्टर नज़र आ रहा है इसको एक्सप्लॉइट करें और अपनी पहली जीत जो है वो रजिस्टर करें। रिकॉर्ड भी उनका अच्छा है यहाँ पे इनके अगेंस्ट, तो लेट्स सी, वी आर होपिंग बिकॉज वन टीम इज़ जस्ट ऑन द साइड ऑफ दिस टूर्नामेंट, एक बाहर ही होती जा रही। तो आई थिंक ये जरा देख लें, बेस्ट बॉलिंग एवरेज जो है इस HBL PSL सीजन 9 की, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, मिसबा, हफीज, अजहर। मुल्तान सुल्तान्स ने 40 विकेटें हासिल की हैं, इकॉनमी इनका देखें बेहतरीन इकॉनमी है 7.86। देखिए आप ये जो स्टैट है इसको अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक टीम बेस्ट बैटिंग कंडीशंस में ज़्यादा मैच खेली है, लाहौर कलंदर, और उनकी जो एवरेज है और सारा कुछ इकॉनमी हर चीज़ वो बॉटम पे है। मुल्तान सुल्तान बेस्ट बॉलिंग कंडीशंस में खेली है, जहां एटलीस्ट बॉलर्स को नए बॉल, बाकी टीमें भी तो खेली हैं, वो सब मुल्तान में भी खेली है, कम मैचेस खेली हैं, तो ओवरऑल जब आप देखते हैं तो उसकी वजह से उसका। बहरहाल इसको इस वक्त इस स्टैट को मद्देनजर रखते हुए तो ये कहा जा सकता है वेरी क्लियरली मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग जो है जो हैज डन रियली वेल फॉर इटसेल्फ इवन इन दोस ओके बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस, बट वी फाइंड आउट हाउ देयर बॉलर्स आर नाउ, आई मीन यू नो दिस विल बी अ डिफरेंट। उसमें एक तो उनकी बॉलिंग, मोहम्मद अली इफेक्ट, डेविड विली इफेक्ट, एंड देन ऑब्वियसली उसामा, एंड देन आई थिंक द बिगेस्ट जो एक इफेक्ट है दैट्स द कैप्टेंसी एंड देयर प्लानिंग।